एक गांव में एक साहब का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म ना हुआ था कि उसी दौरान इनका मेहमान आ गया। खावन ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले मेरे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो इनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। इन्होंने कहा, आप जितने आदमियों का कहें बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा और कहा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और बीवी से पूछा कि क्या बात है। बीवी ने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, बस आप मुझे माफ़ कर दें। वो समझ गया कि कोई वजह ज़रूर है। शोहर ने दोबारा पूछा कि बताओ क्यों रो रही हो। उसने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर, शोहर ने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और आपको माफ़ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, उसके बाद आप चले गए, मगर मैंने फिर सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है, यह मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे मैं उठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद पोश आदमी उस बोरी में से कुछ आटा निकाल रहा है। मैं ये मंज़र देख कर सहम गई। वो मुझे कहने लगा, ऐ खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा है जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसलिए वो आटा लेने के लिए आया हूँ। ये देखकर मैं हैरान रह गई और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिस्क पहले दे देते हैं। जिस घर में मेहमान आते जाते हैं, अल्लाह ताला उस घर से मोहब्बत करते हैं। हमें अपने घर आए मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में मेहमानों को खाना खिलाया जाता है वहाँ खैर यानी रिस्क, बरकत और भलाई इतनी तेज़ी से पहुँचती है जितनी तेज़ी से छुरी भी ऊँट के कोहान की तरफ नहीं पहुँचती।